जो आपकी समरी है इसकी रीडिंग करेंगे और पढ़ने का तरीका हम देखेंगे किस तरह इसको पढ़ा जाता है, स्पेलिंग किस तरह है। मैं कोई ऐसा तरीका मुतारफ कराने की कोशिश करूँगा जिसके अंदर आपको स्पेलिंग याद करने की ही ज़रूरत ना पड़े, स्पेलिंग याद ही ना करने पड़े। हम वैसे लिखने हाइफन वाला तरीका जो है वो देखेंगे, हाइफन क्या चीज़ होती है, इंग्लिश के अल्फाज जो लिखते हैं जोर शोर के साथ कैसे लिखते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से। ये देखें ज़रा, इन दिस पोएम इस नज़म में द पोइट शायर, POET पोइट शायर, एक्सप्रेसिस EXPRESSES इजहार करता है। ये जो ई एस आया है ये ता है के मायनों में आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिग्नल है कि शायद इजहार करता है। इसके बारे में इजहार करता है द फीलिंग एहसास के बारे में, द फीलिंग एहसास के बारे में, ऑफ जॉय अपनी खुशी के एहसास के बारे में बयान करता है, इजहार करता है। एंड प्लेयर प्लेयर भी खुशी को कहते हैं, PLEASURE लयर खुशी, अपनी खुशी अपनी मुसरत का इजहार करता है। विच ही जो के वो एक्सपीरियंस्ड जो के वो तजर्बा करता है, मुशाहिदा करता है। EXPERIENCED दूसरी फॉर्म है, इजहार करता है किसका, फीलिंग्स का, प्लेयर का, किसके बारे में, जो उसने तजर्बा किया है, एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग अ वॉक चलने के दौरान, ड्यूरिंग अ वॉक चलने के दौरान इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड किसे कहते हैं, क्या आपको कंट्री साइड चलते हुए उसने देखी है, फीलिंग्स के बारे में बयान करता है। ही सा अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, वो बड़ी तादाद में डैफोडिल्स देखता। पहली लाइन में उसने बता दिया कि है क्या, दूसरी लाइन में बताने लगा है कि वो देखता क्या है। ही सा सी की दूसरी फॉर्म है, सा का मतलब है देखना, ही सा वो देखता है। अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की एक बड़ी तादाद, डैफोडिल्स की एक बड़ी तादाद, इधर देखें इधर आप सब तो मुतवज्जो नहीं हो, डैफोडिल्स की एक बड़ी तादाद ग्रोइंग जो उगी हुई थी, ग्रोइंग जो उगी हुई थी बिसाइड, क्या मतलब है के साथ, ये परसों पर आपने जुमले बनाया बिसाइड के साथ, आदार आदार आ लेक एक झील के किनारे, एक झील के साथ उठी, लेक किसे कहते हैं, झील को। एंड अंडर द ट्री और दरख्त के नीचे, दरख्त के नीचे थे वन मूविंग, वो कर क्या रहे थे, अच्छा उसने देख तो लिया, अब आगे वाली क्या लाइन है, दे वन मूविंग को डांस कर रहे थे, हिल रहे थे, मूव कहते हैं हरकत करने को, दे वर मूव मूविंग वो हरकत कर रहे थे। एंड ये ING है, ING के साथ बाद वर्ब का इस्तेमाल है, ये पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा करता है, पास्ट वर्ब आता है पहली फॉर्म के साथ ING, दे वर मूविंग वो हरकत कर रहे थे। एंड वेविंग, वेव कहते हैं ना ऐसे झूमना, एंड वेविंग और हिल रहे थे इन द एयर हवा में, विद प्लेयर खुशी के साथ, उन्हें खुशी थी वो हिलते थे, अपने आप को कुदरत में रखते हुए महसूस करते हुए ऐसा लगता था जैसे वो खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इंसान जब वो खुश होता है तो खुशी में क्या करता है, आपने सुना होगा खुशी में बाद लोग डांस करना शुरू करते हैं, इंजॉय करना शुरू कर, तो उसने भी बताया कि वो ऐसा लग रहे थे ऐसे ही जैसे वो मूविंग में वो डांस कर रहे हैं,
खुशी मना रहे हैं, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के नज़ारों को देखते हुए खुश हो। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। द साइट ये नज़ारा, साइट ये नज़ारा, फील्ड द हार्ट और द बॉय, शायर के दिल को भारत देखता है। ये पैसे वाइज फिक्र आ गया है। तीसरी फॉर्म द साइट फील्ड, ये नज़ारा भारत देखता है, ये नज़ारा भारत देखता है। द हार्ट ऑफ द पोइट, शायर के दिल को विद फ्लैयर, उसमें खुशी के साथ, ये देखिए फ्लैयर लफ्ज इसमें तीन चार बार आए, आपको ज़्यादा काम ही नहीं करना पड़ा, वही अल्फाज बार बार आ रहे हैं जो एक बार आपने याद कर लिए। इसीलिए पढ़ना और सीखना तो है ही आसान, पढ़ना तो है ही आसान, लेकिन इसके साथ सीखेंगे तो आने वाली बात है। अब देखिए प्लेयर कितनी बार आ चुका है, तीन बार आ चुका है। दिस लेफ्ट अ परमानेंट, परमानेंट की स्पेलिंग देखिए पी आर पर एन एम परमा एन ई एन टी नेंट, तलफ्फुज भी आपका दुरुस्त होना चाहिए। परमानेंट मुस्तकिल इम्प्रेशन ऐसा, दिस लेफ्ट अ परमानेंट इम्प्रेशन, ये मुस्तकिल असर छोड़ता है। ये लेफ्ट लीव की दूसरी तीसरी फॉर्म है, दूसरी तीसरी दूसरी फॉर्म है। दिस लेफ्ट ये छोड़ता है, इधर देखें दिस लेफ्ट ये छोड़ता है। अ परमानेंट इम्प्रेशन एक मुस्तकिल, हाँ जी मुस्तकिल असर छोड़ता है। ऑन हिज मेमोरी, ये याददाश्त, ऐसी मेमोरी छोड़ता है, ऐसी याददाश्त छोड़ता है जो हमेशा रहने वाली है। परमानेंट का मतलब हमेशा रहने वाली है। मुस्तकिल वो याददाश्त छोड़ते हैं उसके दिल पर। व्हेन एवर, जब कभी, व्हेन एवर जब कभी, ही रिमेंबर उसे याद आता है। देयर साइट वो नज़ारे, उनके नज़ारे जब कभी उसे याद आते हैं। कोमा है आगे, अभी बात खत्म नहीं हुई इसलिए कोमा दे देते हैं। ही गेट रिलीफ, उसे सुकून मिलता है, वो सुकून हासिल करता है। ही गेट रिलीफ फ्रॉम द फीलिंग, फ्रॉम द फीलिंग, उस फीलिंग से उसको क्या मिलता है, सुकून मिलता है। ज़रा देखिएगा यहाँ एस है, एस है, एस नहीं लगा हुआ थे। ही शी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र हो, देखिए ऐसे लिखा ही हुआ था आपने बताई। ही गेट्स वो हासिल करता है। ही शी तो या वाहिद नाम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, हमने एस लगाना। ही गेट्स रिलीफ, उसे आराम मिलता है फ्रॉम द फीलिंग, उस फीलिंग से, उस फीलिंग से। व्हेन एवर, जब कभी, ही रिमेंबर दिस देयर साइड, उस नज़ारे को याद करता है। ही गेट्स रिलीफ फ्रॉम द फीलिंग, उसे उस फीलिंग से क्या मिलता है, रिलीफ किसे कहते हैं, रिलीफ आराम किसे कहते हैं, आराम को कहते हैं हम। रिलीफ के लिए उसको तकलीफ से आराम मिल गया, तो फ्रॉम फीलिंग, उस फीलिंग से उसको रिलीफ मिलता है। ऑफ लॉनलीनेस, लॉनलीनेस अकेलेपन से, अकेलेपन से सुकून मिल जाता है, सुकून में आ जाता है। बात बात इंसान थका हुआ हो, परेशान हो, तो कहता है ना मुझे अकेला छोड़ दे, अकेला छोड़ दे, तो अकेले रहने से क्या होता है, उसको कुछ सुकून मिल जाता है, आराम मिल जाता है। वो कोई सोचो विचार करके, कोई अपने आप को जो है वो जो टेम्परेचर है उसका कम हो जाता है, अपने आप को सही साबित के ले आता है अकेलेपन। लॉनलीनेस से उसको फीलिंग्स को तकवीयत मिलती है। एंड आल्सो गेट्स, ये देखने ऐसा लगा देता है, आल्सो गेट्स परमानेंट प्लेजर, फिर ये देखें परमानेंट फिर आ गया, ये याद था
यार नहीं लेकिन अल्फाज की फिटिंग है, इजहार है, आपने टेंसेस का ख्याल रखना है, परमानेंट प्लेयर उसको मिल जाता है अच्छे तरीके से, सुकून मिल जाता है। ये आपकी सभी मुकम्मल हो गई और ये देखेंगे इसमें अल्फाज की फिटिंग थी, एक पॉइंट था जो आपको बयान करना था कि फीलिंग से लॉनलीनेस से वो छुटकारा हासिल होता है, उसको खुशी महसूस करता है जब वो गमगीन भी होता है, सैडनेस आती है।